असलम डेयर स्टूडेंट दिस इज रिहम रहमान एंड आई एम यंप्यूटर साइंस टीचर फॉर ग्रेड नाइन टुड इस टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन इन एवरीडे लाइफ ऑन द इंटरनेट लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सिंपल इंक्रिप्शन की हमने देखा था अब इंक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने डेटा को अनरीडेबल फॉर्म में ले आते हैं और वो अनरीडेबल फॉर्म सिर्फ रीडेबल होती है हमारे ऑथराइज पर्सन के लिए हम इनकोड करते हैं अपने डेटा को और इनकोडिंग क्या इनकोडिंग इज बेसिकली दी कन्वर्जन ऑफ डेटा टू एन अनरीडेबल फॉर्मेट हमने अपने डेटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में जब कन्वर्ट किया है उसको हम कह देते हमने उसको कर दिया है इनकोड और इस इनकोडिंग के प्रोसेस को हम कहते हैं कि हमने इसको कर दिया है इनक्रिप्ट और इनक्रिप्ट करने के बाद सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही उसको रीड कर सकता है और ये ऑथराइज पर्सन कैसे रीड कर सकता है और कैसे हम जो हमने unreadable format में लेकर आए हैं हम लेकर कैसे आए हैं? हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर एक की का जिसको हम सीक्रेट कोड भी कहते हैं वो key होती है एक की तरह ही उस key को करके हम करते हैं अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट साइफर टेक्स्ट वो टेक्स्ट है जो कि अनरीडेबल फॉर्मेट में आया है जब तो हमने इनकोड किया है अपने डेटा को अनरीडेबल फॉर्म में मतलब कि हमने उस टेक्स्ट को बना दिया है साइफर टेक्स्ट साइफर टेक्स पहुंचता है हमारे ऑथराइज पर्सन के पास और ऑथराइज पर्सन जो है वहां पर वो की जो हमने उससे भी शेयर की हुई है जिस की को अप्लाई करके हमने उसको इनकोड किया था डेटा को वहां पे वो डिक्रिप्ट करने के लिए उसको डिकोड करता है सेम की अप्लाई करता है साइफर टेक्स पे और हमारी जो टेक्स्ट है वो का किया जाता है? किया इसलिए जाता है कि कोड पर बैठे होते हैं कुछ कंप्यूटर एक्सपर्ट्स जिनको हम कहते हैं हैकर्स उनका काम क्या है कि वो करते हैं स्टील डेटा को जब डेटा ट्रांसफर हो रहा है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर उस स्टीलिंग को बचाने के लिए उन हैकर्स से अपने डेटा को महफूज रखने के लिए हम अप्लाई करते हैं इंक्रिप्शन का प्रोसेस क्योंकि यहां पर हमने इस्तेमाल किया है एक की का और वो की हमने सिर्फ सिर्फराइज पर्सन से की थी शेयर हैकर को नहीं पता कि वो कौन सी की है जिसको अप्लाई करके हमने किया है अपने डेटा को इनकोड इसीलिए हैकर डेटा को एक्सेस जरूर कर पाएगा मगर उसको चेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि जब तक उसको समझ ही नहीं आएगी डेटा की तो वो उस पर कुछ कर नहीं सकता ये तो बात की हमने अपने प्रीवियस लेक्चर की कि क्या है ये सिंपल इंक्रिप्शन आज के लेक्चर में हमने बात करनी है क्यों है इंपॉर्टेंट ये इनक्रिप्शन आखिर इंक्रिप्शन का क्या मकसद है जिस तरह मैंने पहले बताया कि यहाँ पर हमारा डेटा किया जाता है प्रोटेक्ट इंक्रिप्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथर्स फॉर प्रोवाइडिंग डेटा सिक्योरिटी हमने अपने डेटा को प्रोटेक्ट किया है के हमने अपने डेटा को किया है सिक्योर और सिक्योर करने का बेस्ट तरीका द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू सिक्योर योर डेटा इज इन इन एवरीडे लाइफ ऑन इंटरनेट हमारी बहुत ज्यादा अमाउंट में जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो स्टोर की जा रही है मल्टीपल प्लेसेस पे। जैसा मैं अपने पिछले लेक्चर्स में बात करती आई हूं कि आज के इस दौर में अगर हम समझ रहे हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन सिर्फ हम तक ही महदूद है या कुछ चीदा चीदा कंपनीज के पास है तो ऐसा नहीं है हमारी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मल्टीपल प्लेसेस पर स्प्रेड हुई हुई है हम समझ रहे थे हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन सिर्फ हमारे पास है ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि आजकल के दौर में इंटरनेट का इस्तेमाल हर जगह किया जा रहा है एक डिवाइस जैसे ही कनेक्ट होती है जब हमने आईपी एड्रेसेस भी देखे थे तो वो एड्रेस सेव हो जाता है पता चल जाता है इस डिवाइस का आईपी एड्रेस ये है यहाँ की इंफॉर्मेशन चली गई आगे और फर्दर वो मूव करती रहती है हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसलिए आजकल के दौर में जिस तरह ये बहुत मैंने पहले भी कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है टू कीप आर डेटा प्राइवेट बट इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू कीप इट प्राइवेट हम प्राइवेट तो नहीं रख सकते बट येस वी कैन मेक इट सिक्योर इनक्रप्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज यू टू सिक्योर डेटा फ्रॉम इलीगल एक्सेस इलीगल एक्सेस का मतलब वही आ जाता है कि कोई और बीच में या तो हैकर ना आ जाए उसको स्टील करने के लिए या कोई इलीगली उसको यूज़ ना करना शुरू कर दे इसलिए डेटा को प्राइवेट रखना तो नियरली इम्पॉसिबल है बट वी कैन टेक माई टू मेक आर डेटा सिक्योर और उसमें इंक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है इंक्रिप्शन मेक श्योर करवा रहा होता है कि हम जो डेटा शेयर कर रहे हैं वो है हमारा सेफ और सिक्योर

फ्रॉड्स करने के लिए उस चीज़ में चेंजेस कर सकते हैं जैसे कि आपको एग्जांपल दी थी मैंने जब हम विजुअल रूम में गए थे हमने एग्जांपल एक शेयर की थी कि, कि कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जा रही है आपने ट्रांसफर किया है डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू एन अधर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर की है वहां पर तो उसने कुछ स्टील नहीं किया था बेसिकली उसने कुछ चुराया नहीं था उसने बेसिकली ऑल्टर कर दिया था आपकी इंफॉर्मेशन को उसने चेंजेस की थी उस अकाउंट नंबर को चेंज करके उसने अपने में वो सारी कर थी जो कि आपने करनी थी किसी और अकाउंट में तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है जो हमारा कंसर्न इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन का वो ये है कि प्रोटेक्ट करता है हमें हैकर से अगर हमारा डेटा हुआ होता उस टाइम इंक्रिप्ट तो शायद वो हैकर चेंजेस ना कर पाता और हमारा डेटा सेफली पहुंच जाता अपनी डेस्टिनेशन पे द सेकेंड पॉइंट इज इंक्रप्शन प्रोटेक्ट प्राइवेसी इंक्रप्शन क्या करता है इंक्रप्शन हमारे सेंसिटिव डेटा को जो कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसको हेल्प करता है उसको प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है दिस हेल्प टू इंश्योर प्राइवेसी एंड मिनिमाइज द अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिमिनल्स टू परफॉर्म सम फ्रॉड्स ऑन इट हमारे डेटा को उसने प्राइवेट किया है उसने हमारे प्राइवेसी का ख्याल रखा और मिनिमाइज किए हैं अपॉर्चुनिटीज उन हैकर्स के लिए जो कि कमिट करते हैं फ्रॉड्स हमारे डेटा के ऊपर हमारे जो सेंसिटिव डेटा है जो हम बात कर रहे होते हैं आपको जैसे एग्जाम्पल शेयर की थी ऑनलाइन बैंकिंग की आपने ट्रांसफर किया है अपना डेटा अपनी अमाउंट एक ट्रांसफर की है वन डिवाइस टू एन अदर आपको कई दफ़ा आपके आपके पास नहीं है तो आपके घर में मौजूद अफरा के पास जिनके अकाउंट्स हैं मैसेजेस आते हैं मोबाइल पर कि अपनी सीक्रेट की आपने कभी किसी से शेयर नहीं करनी वो बार बार आपको इंटीमेट करते हैं कि अपने डेटा को रखना है आपने प्राइवेट ये आपके हाथ में है आपने उसके साथ किसी से शेयर नहीं करना उसको अगर आपने की हुई है शेयर तो अगर आपका डेटा इंक्रिप्टेड भी है तो अगर उसके पास है वो की तो वो आपके डेटा को तब भी मिस यूज किया जा सकता है तो अपनी पासवर्ड्स को अपनी कीज को आप ना किया करें शेयर किसी के साथ इंक्रिप्शन तो हेल्प करता ही करता है आपकी प्राइवेसी में इस प्राइवेसी का आपने खुद भी रखना है काफी हद तक ख्याल लास्टली इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट डेटा अक्रॉस डिवाइसिस हम जब बात करें मल्टीपल डिवाइसेज आजकल हमारी जिंदगी का हिस्सा है हम हर वक्त कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं और डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के साथ और जो ये ट्रांसफर हो रहा है डेटा हमारा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे ये काफ़ी रिस्की है काम यहाँ पे हमारा डेटा लॉस भी हो सकता है हमारा डेटा मिस भी हो सकता है सो so, इनक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये इंश्योर करने के लिए कि जो आपका डेटा स्टोर किया गया है एक डिवाइस पे और या फिर आपका डेटा शेयर किया जा रहा है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे वो प्रोटेक्टेड है वो सिक्योर है सो इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी कैन हेल्प प्रोटेक्ट स्टोर डेटा क्रॉस ऑल डिवाइसेस, इवन ड्यूरिंग ट्रांसफर आप जो भी ट्रांसफर कर रहे हैं आपका डेटा सिक्योर है ये मेक श्योर sure कर रहा होता है हमारा इंक्रिप्शन और जो आपने ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है डेटा वो भी कोई मिस ना कर ले ये भी श्योरिटी देता है हमारी इंक्रिप्शन की ये टेक्नोलॉजी एडिशनल हमारे पास सिक्योरिटी मयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं लाइक एडवांस ऑथेंटिकेशन हेल्प कि कौन कौन से यूजर सिर्फ आपके ऑथराइज हैं आपके डेटा को इस्तेमाल करने के लिए वो सारी लिस्ट में से अनऑथराइज्ड लोग निकल जाते हैं आपको सिर्फ ऑथोराइज लोगों की एक्सेस मिलती है कि आपके सिर्फ ये ऑथराइज लोग हैं यही सिर्फ आपके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं सो so, आज के लेक्चर में हमने बात की कि क्यों है इंपॉर्टेंट इंक्रिप्शन जिस तरह से हम डे वन से बात करते आ रहे हैं कि आजकल के इस दौर में हम हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम अपने आप को आइसोलेट कर पाए हम डिसकनेक्ट कर पाए अपने आप को इस इंटरनेट के दौर से जहां पर हमारी इंफॉर्मेशन हर दूसरे डिवाइस के पास है हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के पास है सो इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू मेक आर सेल्स प्राइवेट और टू कीप आर पर्सनल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल बट वी कैन हेल्प वी कैन हेल्प टू प्रोटेक्ट आर इन्फॉर्मेशन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो हमारी इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास है वो सिक्योर होनी चाहिए ये इम्पॉसिबल नहीं है इसको पॉसिबल बनाया जा सकता है और उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं हम इनक्रिप्शन का मेथड इस्तेमाल करते हैं सो डियर स्टूडेंट्स ये तो आपको हमने बता दिया इनक्रिप्शन क्या है पहले हमने डिस्कस किया था सिंपल इंक्रिप्शन आज उसकी इंपॉर्टेंस भी बता दी हमने ये भी देख लिया किन किन पॉइंट्स पे हम देख रहे होते हैं कि इंक्रिप्शन हमें हेल्प आउट कर रहा है आजकल के दौर में हम लेंगे एक शॉर्ट सा क्वेज चेक करने के लिए कि अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है आपसे कितनी हद तक की हुई है आपने अपने माइंड में उसको सेव आपकी मेमोरी में कितनी ज्यादा स्पेस है कि वो सेव कर पा रही है वो सारी इंफॉर्मेशन और कितना रैपिडली कितनी स्पीड से आप कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को रिट्री सो स्टार्ट करते हैं अपना शॉर्ट सा एमसी क्यू क्वेज सो द फर्स्ट एमसी क्यू दैट इज ऑन योर स्क्रीन सेज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेटा सिक्योरिटी आर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग

हमने बात की थी कि जब सिंपल इंक्रिप्शन का प्रोसेस देख रहे थे हमने देखा था हमने प्लेन टेक्स्ट को ट्रांसफर करते हैं हम साइफर टेक्स्ट में इंक्रिप्ट करते हैं इनकोड करते हैं साइफर टेक्स्ट के अंदर ये साइफर टेक्स्ट होता है अनरीडेबल फॉर्मेट के जब हमने अपना रीडेबल फॉर्मेट वाला टेक्स को अनरीडेबल फॉर्मेट में बनाया तो उसको हमने कहा था साइफर टेक्स अब क्या चीज हम इस्तेमाल करते हैं कि जो अनरीडेबल जो साइफर टेक्स बना है वो हम रीड कर सके आपके ऑप्शन है माउस की बोट या ट्रैक बॉल इन चार दीवी ऑप्शन में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन जो जिसकी मदद से हम साइफर टेक्स्ट को कर सकते हैं रीड एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर टूट से कहा था और ये की एक पासवर्ड की तरह का काम करती है की इज यूज टू रीड द साइफर टेक्स वो टेक्स्ट जिसको हमने इनक्रिप्ट किया है उसको रीड करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है की का इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट एमसीक्यू दैट इज ऑन योर स्क्रीन सेज़

हैक करते हैं आप उस कंप्यूटर को इलीगली आपने एक्सेस किया है उस कंप्यूटर को और इसका मतलब है आपने की हैकिंग द लास्ट एम सी क्यू से विच इज अ प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डेटा पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी सारी सिंपल इंक्रिप्शन की हमने देखा था कि हम कैसे सिंपल टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या प्रोसेस है विच इज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डेटा आपकी ऑप्शन हैं सर्विस ऑनलाइन बैंकिंग क्लाइंट और इंक्रिप्शन इन चार दी टीवी ऑप्शंस में से वो कौन सी है करेक्ट ऑप्शन जो कहती है कि ये इनकोडिंग डेटा का एक प्रोसेस है द क्रिप्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फोर दैट सेज इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसकी मदद से हम इनकोड करते हैं अपने डेटा को इनकोड करते हैं उसको इस फॉर्मेट में लेकर आते हैं जो अनरीडेबल होता है और उस फॉर्म को हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट वो जो हमारा अनरीडेबल फॉर्मेट है सिर्फ अलाउ है ऑथोराइज पर्सन को क्योंकि हमने शेयर की है अपनी की सिर्फ उस ऑथराइज पर्सन के साथ कि वो ही हमारा ये इनक्रिप्टेड किया हुआ जो हमने टेक्स्ट भेजा है जो डेटा भेजा है उसको कर सकेगा डिक्रिप्ट विद दी हेल्प ऑफ दैट की सो ये था वो इनक्रिप्शन का प्रोसेस जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में और बहुत सिंपल सा प्रोसेस है ये याद रखिएगा इसको आपने वो जो मैंने आपसे पिक्चर शेयर की थी उसके थ्रू आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा कि इनक्रिप्शन क्या है और इंक्रिप्शन की डेफिनेशन जिस तरह हमने एम सी क्यू में की है आपको किसी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है कि इनक्रिप्शन क्या है इनकोडिंग क्या है डिक्रिप्शन क्या है ये सारी शॉर्ट डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा आपका ऑब्जेक्टिव बेस कर सकता है इस किस्म की आपकी डेफिनेशन पे तो नेक्स्ट टाइम सिक्यून योर स्क्रीन कंसर्न्स अराइज़ ड्यू टू डैश कलेक्शन ऑफ डेटा किस वजह से सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ जाते हैं ऑप्शन हमारे है पास लेस मैथ वैलिड या इम्प्रॉपर इन चार दी ऑप्शन में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन इज़ नंबर टू दैट सेज स्टैंड अलोन डिवाइस किसकी वजह से हमारे जो कंप्यूटर्स हैं अब स्टैंड अलोन डिवाइस नहीं हैं ऑप्शन है हमारे पास इंटरनेट वर्चुअल रियालिटी जी पी ए या फिर ए आई वेरी

द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थ्री हमने थ्री डिस्कस किए थे एस्पेक्ट्स जो कि हमारे डेटा को सिक्योरिटी के साथ हम उससे कंसर्न था हमारा उनका द नेक्स्ट एम सी क्यू ऑन योर स्क्रीन से इज़ विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट द एस्पेक्ट टू सिक्योर आर डेटा ऑप्शन है हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी इनक्रप्शन या फिर बोथ ए एंड बी बहुत गौर से आपने समझना है इस एम को विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एस्पेक्ट टू सिक्योर आर डेटा The correct option is option number three that says encryption. Encryption Hamari security of data ka aspect nahita. Last MCQ says it means that we want to have access to the data when we want. Options, past, confidentiality, availability, independency. The correct option is option number two, that is availability. Availability means that you want to have an access to the data when we want. सो so, इस क्विज के साथ ही हमने एंड किया है अपने आज के इस लेक्चर को जिसमें हमने बात की थी कि क्यों है इम्पोर्टेंट इंक्रिप्शन आजकल के दौर में हमारे लिए और हम किन बेसिस पर हम लोग एनालाइज कर रहे होते हैं कि हमारा डेटा है प्रोटेक्टेड और सिक्योर इंक्रिप्शन हमें कहाँ कहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है हमारे डेटा को हमारे डेटा को किस तरह से और किन किन से बचा रहा है वो आज